नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बीडी की शुरुआत करते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर शिरोमणि अकाली दल पूरी तरह से सियासत पर उतर आया है। आपको बताते चले कि भटिंडा से पूर्व मेयर पार्लियामेंट हरसिमरत कौर बादल की गांव गांव जाकर कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। इसी को लेकर उन्होंने भटिंडा के गांव दियोन में चुनाव जलसे को संबोधित किया और साथ ही तरन तारण में एक महिला को नंगा करके घुमाए जाने की घटना की सख्त शब्दों में निंदा की है। इसी को लेकर भगवंत मान सरकार पर तीखे शब्दों से हमला करते हुए हरसिमरत बादल ने कहा कि सवाल तो ये खड़ा होता है कि घटना होने के बाद आखिर क्यों पंजाब पुलिस ने तुरंत दोषियों पर एक्शन लिया। आपको बताते चलें कि गांव गांव जाकर कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, जहां पर पंजाब सरकार पर कई सवाल भी उठाए गए। आपको बताते चलें कि खबर बठिंडा से है, जहां पर एक युवती के साथ घिनौना अपराध करने वालों पर हरसिमरत कौर बादल जमकर बरसी हैं और गांव गांव जाकर दौरा भी कर रही हैं। जिन्ना ओदे सख्त शब्दों से ओदी निंदा करी जाए घट है। आज देखो साडे बीबियां दी इज्जत आबरू दे नाल सड़कां दे उत्ते जिस तरह उन्हां दी पत रोली जा रही है, इस तो होर दुखदाई इस पंजाब वास्ते की हो सकता है, जिथे पंजाब च गुरुआं ने पीरां ने सारिआं ने औरतां नूं सत्कारिआ है। अज इस निकम्मी सरकार दी अगवाई दे विच जिथे लुट्टां खोआं गैंगस्टरां दा राज ते तरन तारण च एक औरत नूं उहदे कपड़े पाड़ के उहनूं सारे पिंड च तोरिआ जाए ते 15 दिन हो गए पुलिस किसी नूं फड़े ना। आम आदमी पार्टी की ओर से वॉलंटियर मीटिंग का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम भगवंत मान ने शिरकत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा सुनवाते हैं आपको। आज दुआबे की धरती फगवाड़ा, आज इत्थे आम आदमी पार्टी दे वर्कर वॉलंटियर मिलनी है स्टेज दे उत्ते। आम आदमी पार्टी के संगठन के सारे देश के संगठन के प्रभारी जनरल सैकटरी और एक बहुत बड़ी नौकरी IIT दे विच प्रोफेसर की नौकरी छड़ के देश के नाम अरविंद केजरीवाल जी के नाम अपनी सारी पढ़ाई अपनी सारी विद्या उन्होंने नाम लाने वाले डॉक्टर संदीप पाठक जी, साडे पार्टी दे कार्यकारी प्रधान ते पंजाब दी विधानसभा दे 117 MLA दे विच्चों सब तो वध पढ़े लिखे हुए 6 time MA जिन्होंने 6 MA कीतियां ते बहुत गरीब घर तो उठ के उस विद्या दे चानण नाल अज पंजाब दे सब तो वध पढ़े लिखे जिहड़े MLA ने बुढलाडे तो श्री बुद्ध राम जी प्रिंसिपल साहब, बलकार सिंह जी साडे मिनिस्टर साहब, साडे हुशियारपुर तो वो भी पढ़े लिखे डॉक्टर ने डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल साहब, साडे आनंदपुर साहब तो मालविंदर सिंह कंग जी जिहड़े तुसीं देखते रहने हो TV ते उन्हां नूं टिकट मिली है। मेरे नाल फतेहगढ़ साहब तो GP सिंह, असीं कट्ठिआं ने पहला राजनीति ज्वाइन की सी, ए बस्सी पठाना तो लड़े सी पीपल्स पार्टी वालों, मैं लहरक अगे तो लड़िया सी, सो कट्ठिया ने राजनीति शुरू की सी, दोबारा फिर कट्ठे हुए हैं। नाल लालजीत भुल्लर जी जिहड़े खडूर साहब तो आम आदमी पार्टी दे ते उसते अगले नाल ही अजनाले तो MLA ते आम आदमी पार्टी दे बहुत ही धाकड़ साडे मंत्री ते MLA सी कुलदीप धालीवाल साहब और जंडियाला गुरु तो हरभजन सिंह जी ETO साहब मिनिस्टर साहबान ने, ब्रह्म शंकर जिम्पा जी, अनमोल गगन मान मिनिस्टर ने टूरिज्म दे और MLA खरड़, कटारू चक साहब पोवा तो MLA ने, सेखवा साहब, बाकी मेरे सामने सारे मैनू MLA साहबान अहुदेदार साहबान, सब तो बद पार्टी की रीढ़ की हड्डी ना थकन वाले ना अक्कन वाले ते आम आदमी पार्टी नूं असमाना तक चक्कण वाले साडे वॉलंटियर साहबान सारयां दा बहुत बहुत धन्यवाद। सारयां नूं नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की। अज दा तुहाडा जोश जिहड़ा है वो देख के मैनूं ये अंदाजा हो गया कि तुसीं
पंजाब दे विच एक नवी कहानी लिखण लई तैयार बैठे हो। मैनू यह अंदाजा इस गल ते हो गया कि तुसी पंजाब नू दोबारे पंजाब बनाउण दा जिहड़ा आपां सुपना लिया होया है उहनू पूरा करन वास्ते तुसी दिन रात एक करोगे। वीरो यह कोई पोलीटिकल रैली नहीं हैगी, यह कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं हैगा, यह तो अपनी वलंटियरां दी एक मीटिंग है। जिद्दे रैली कीती ना उद्दे इन्हां नू कईआं नू दौरे पैणगे वी आह की हो गया, क्योंकि यह अंडर करंट नू समझ ही नहीं रहे भी लोग की सोची बैठे है। क्योंकि मैं तो लोगों च रहना, अज मैं सवेरे 10:15 बजे चंडीगढ़ों चलिया मोगे वास्ते, मैनू जाण लई 4 घंटे लग गए। हालांकि राह इन्ना नहीं हैगा, पर जो रूट लगता है, प्रोटोकॉल है, सिक्योरिटी का रूट लगता है, तो पुलिस वालों तो लोग पूछ लेंगे है, जेडे पिंड च पूरी पुलिस वाले खड़े है कि भाई जी अज कौन आ रहा है, वो कोई दस देंगे भगवंत मान लंघ रहा है, तो कट्ठे हो जाते हैं पिंड च आपस एक दूजे को फोन करके। मैनू 40-40, 50-50, 100-100 बंदे कट्ठे होके ऐ मैनू हाथ देंदे आ गड्डी नू, ते मैं गड्डी रोक लैना। ये भी पहली बार हो रहा है कि उन्होंने उम्मीद है कि जे हाथ दिता तो मुख्यमंत्री की गड्डी खड़ जूगी, क्योंकि अपना साडा। पहला तो जे मुख्यमंत्री गड्डी नू हाथ दिता तो 3 दिन बाद पता लगता सी किहड़े थाने च ने उह, भी तेरी हिम्मत किवें होई तू मुख्यमंत्री की गड्डी नू ऐ हाथ दिता। इसे करके भाई लोगों ने उन्होंने इस बार कहता भाई तुम अपनी गड्डिया कित हो सड़क तो नहीं लै जाया करो, साडे वाले की गड्डी तो इतों ही लंघूगी, तो असा जो मर्जी हाथ दे के रोक सकते हैं। सो वीरो अज मैनू लोगों ने, वैसे तो मैं रोज ही मिलता, अज मैं बहुत सारिया गल्लां नवीं दसिया लोगों ने। एक बजुर्ग ने कहा भगवंत माना हुण वोटां मंगण भावें आई ना, क्योंकि तेरे तो पहला तेरे किए हुए काम साढ़े पिंड पहुंच गए। साढ़े पिंड बिजली का बिल 90% करन नू बिजली का बिल नहीं आता, साढ़े पिंड 6 नौकरियां मिल गई सरकारी, मेरे भतीजे नू भी एक नौकरी मिल गई, तो साढ़े कस्सियां का पानी 25-25 साल बाद जिहड़ा चोयां का सूयां का पानी सी जिन्हों भुल गए सी वह भी पहुंच गया, तो बिजली भी आम आउंदी है। तो एक पिंड च एक बजुर्ग कहिंदा सब तो वधिया गल इह है कि बिजली तो जलाम आउंदी है, सारी कणक कहिंदा फसल बीजण तो लैके हुण वढण तक दे दिन आ गए, एक दिन भी कहिंदा रात नू खेत जाण दी लोड़ नहीं पई, दिने कणक रमा के आई दी सी। सो वीरो ये चीजां उही बंदा कर सकदा है जिन्हें यह चीजां अपने पिंडे ते हंडाइयां होण। मैं अफसरां नू पुछिया बिजली दे ते दूजे सारे सैकटरी लैवल दे वड्डे अफसर कट्ठे कर ले, मैं कहिंदा थोनू किहने कहता भी 8 घंटिआं नाल किसान दी जिहड़ी झोना है फसल है उहनू पाणी बिल्कुल सही लग जांदा 8 घंटिआं नाल, उह 8 घंटे भी तुसीं टुट्टवें दिंदे हो, 2 घंटे अद्धा घंटा ब्रेक फिर 2 घंटे फिर अद्धा घंटा, मैं थोनू किहने कहता हे तुसीं 7 क्यों नहीं कीते, तुसीं 9 क्यों नहीं कीते, ये 8 किहने कहता थोनू। मैनू कहिंदे जी सैकटरी लैवल पर मीटिंग हुई थी उसमें फैसला किया गया था। मैं कहाँ हुई थी, तो सेक्टरी लेवल पे मीटिंग हुई थी। मैंने कहा कभी नाका लेवल पे मीटिंग हुई है, कहते ये क्या होता है जी नाका लेवल, मैं कहा नाका नहीं नक्का, कहते नहीं नक्का लेवल पे तो मीटिंग नहीं हुई। मैं कहा ही पंगा है, नक्का होंदा है जिथों क्यारे नू पानी मुड़दा है, मैं कहा उन्हें नक्का कहते हैं, कहते उत्थे बह के फैसला लिया कि क्यारा किन्ने चिर च भरदा है कि किन्ने घंटे उन्हें चाहिए है, जो अद्धा भरदा तुसीं उधरों कट लैंदे हो, फिर दोबारे जो आऊगी फिर दोबारे खाल फिर दोबारे पानी उस कह रहे नके जाऊगा। मैं क्या भी गल सुन लो मेरी, मैं क्या जी हां जी भाजी धन्यवाद धन्यवाद बैठ जाओ मैं सुन के जाऊंगा, बैठ जाओ आराम ना कोई गल नहीं बैठो भाई जी बैठो आराम ना आराम, मैं सुन के जाऊंगा मैं इसे कम वास्ते हाँ हाँ कोई हाँ आ भी मैंने पहुंचा दे, पर एक कम मरी ये फोन नंबर लिखवा लियो, एक भाजी भाजी ये फोन नंबर लिखवा लियो 168 वाले मैं जानदा सारे, मैं आप मास्टर का मुंडा कोई नहीं, बैठो बैठो भेने बैठो। सो मैं बस बस धन्यवाद धन्यवाद आराम नंबर फोन नंबर से तुम्हें कॉल आ जाऊ आराम ना, एक मिनट भाई जी एक मिनट वो बैठे ने जी कोई गल नहीं आराम ना बैठो।
चल जी धन्यवाद धन्यवाद भैने भैने बैठो 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 जिथे आप 43,000 नौकरियां दी 168 थोड़े वाले ले लेंगे कि गल है थोड़े वास्ते तो है जिंदाबाद जिंदाबाद बैठो सो भीरो मैं उन्होंने कहा मैं क्या भी हूं आप बिजली जी है बैठ जाने दो आराम ने बैठ जाने दो कोई गल नहीं मैं सिक्योरिटी वाले भीर बेनती करदा बैठ जाने दो अपने ने अपने धिया पुत ने आही तो दुख है ना पहले इन्होंने किसी ने सुनिया नहीं भरे पे ने पहले किसी ने सुने ही नहीं बगाने समझते रहे सो भीर मैं उन्होंने कहा मैं क्या भी 108 घंटे बिजली दिने हो जे तुम 8 घंटे समझ लो भी जे 4 दिन तुम 8 घंटे बिजली देनी है किन्ने घंटे बिजली दोगे कहने जी 32 घंटे मैं क्या भी ऐ कर दिया इनू एक होर तरीका बनाने कहते की मैं क्या जी 3 दिन बिजली देनी है पर देनी 11-11 घंटे है कहने जी ये की फर्क पेगा मैं क्या देखो 11 घंटे बिजली आऊगी कोई किसान कमला नहीं है कि आपके क्यारे च पानी छड़ के बट्टा तोड़ ले तो बट्टा भी तुम्हें आप ही पोचनिया पैनगियां दोबारे वो 9 घंटे बाद 10 घंटे बाद बंद कर दूंगा अगले दिन फिर 11 घंटे आऊगी फिर 9-10 घंटे बाद बंद कर दूंगा उदू अगले दिन फिर 11 घंटे आऊगी फिर बंद कर दूंगा तो अगले 3 दिन या 4 दिन उन्हू पानी लाने की लड़ नहीं पैनी क्योंकि 3 दिन जो लगातार उन्हें झोने पानी लाता तो मैं क्या भी टोटल किन्ने दिन हो गए 7 दिन तो तुम 7 दिन 8 घंटे हिसाब ने किन्ने घंटे बिजली दोगे 56 घंटे 7-8 56 मैं क्या भी जोड़ा मेरे वाला तरीका है 3 दिन च 11-11 घंटे वो किन्ने घंटे दोगे कहीं 33 घंटे मैं क्या भी 23 घंटे तो अपने सीधे बच गए तो नंबर दो ते वो भी कहूगा कि मैनू की लोड़ है यार मतलब दोबारे दुबारे आन की खेत कि हूँ फिर दोबारे लाइट आऊगी फिर जावे तो नाले तो 23 घंटे बच गए तो नाले वो खुश कि यार बिजली इन्नी आम है मोटर आप बंद करके आना मैं हूँ ये चीजा पानी ते बसा चला पता है ये चीजा महिला आने पता है कि 7 घंटे की होंगे 8 घंटे की होंगे खाल मरना की होंगे क्यारा की होंगे नक्का की होंगे ना पता ही नहीं जो कुछ पंजाबी नहीं आती महाराज पंजाबी बोलनी नहीं आती सारे स्कूल है आ भैणा ने 168 वाले ने तो बढ़ते आगे माछीवाड़ा में आपको बताते चले कि काफिला रोक लोगों से मिले हैं सीएम भगवंत मान स्थानीय लोगों से बातचीत भी की लोगों ने सीएम मान से साझा की है अपनी सभी समस्याएं और लोग बोले कि 15 साल से सड़क आधी अधूरी बनी हुई है बातचीत के दौरान सीएम ने कहा कि हम पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं कोशिश है कि आपकी हर समस्या का हल किया जाए बिजली और नौकरी के क्षेत्र को बेहतर बनाना लक्ष्य है आइए आपको दिखाते हैं पूरी बातचीत मैं अज मोगे जा रहा फिर जलंधर जाऊंगा अज तो वलंटियर का प्रचार शुरू करे तुम हर संकट के मौके पार्टी का साथ दिता है इस वक्त साढ़े नैशनल कन्वीनर जी ने तानाशाही तरीके उन्होंने जेल के बंद किया हूं अपना फर्ज बनता कि असं उन्होंने दस दिए जी जिद खड़ जाने फिर खड़ जाने खास तौर पर जुल्म के खिलाफ तो धरती खास तौर पर गुरुपाल साहब की धरती जुल्म के खिलाफ लड़न की प्रेरणा तो गुरु साहब ने अपना सरबंध सवारिया सो ये कोई प्रोग्राम नहीं है जिस दिन प्रोग्राम बनाया उस दिन मैं जरूर मिलूंगा मावं भैन आई ने वास्ते फिरते हैं तो बच्चों नौकरियां देवे तो चुल्हे की अग जी है वो बुझण नहीं देवे 48,000 नौकरियां हूं तक देती जेड़े बच्चे पढ़ने बल्टन पार्क में बाइक सवार दो युवकों ने एक गैस एजेंसी के कर्मी के साथ में मारपीट और कैश के साथ में एक्टिवा लूटकर फरार हो गए हैं पीड़ित ने बताया कि वो सुबह अपने रिश्तेदारों को स्टेशन पर छोड़कर घर वापस लौट रहा था तभी बल्टन पार्क के पास में बाइक सवार दो युवकों ने उन्हें रोका और पहले हॉकी से प्रहार किया और जब वे भागने लगे तो तेज धारदार हथियार से वार किया और पुलिस को शिकायत भी दे दी गई फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है तो क्या मामला हुआ सारा मैं अपने रिश्तेदारों को गया था स्टेशन पर चढ़ाने के लिए वहाँ से मैं वापस आ रहा था ये पल्टन पार्क के पास उन्हें पहले हॉकी नाल मेरे हाथ पर
वार किया लकड़ी का, लकड़ी का। फिर मुझे अच्छी बार रुकना पड़ा, फिर जैसे अच्छी बार रुका तो उसने जेब में हाथ मारा, जेब में 200-300 पड़े, जेब में जो जेब में था। समय कितने बजे का था? समय 5:30 का था। आप कहाँ से आ रहे थे? मैं स्टेशन से आपस आ रहे थे करा करके गाड़ी पर, वहाँ पर आया उसने तेज हथियार से बहुत मेरे पर हमला कर दे लगा। वहाँ से पलटन पर कई आदमी जा भी रहे थे, मैं हल्ला भी किया कि बचा लो, लेकिन कोई डर के मारे उसके चोर ने सिर के साथ नहीं बचाया। सर आज मौके पे पहुंचे हो, की कहना चाहते हैं? जी बटाला के माननगर में दिनदहाड़े लुटेरे ने आपको बता दें कि बब्बर ज्वेलर से गन पॉइंट पर लूट की घटना को अंजाम दिया है। इस दौरान वे 5,000 कैश समेत 13 तोला सोना लूटकर फरार हो गए। पुलिस टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी है। साथ ही बब्बर ज्वेलर्स के पीड़ित मालिक के ने यह भी बताया कि दोपहर को मोटरसाइकिल पर सवार लोग होकर 3 लोग दुकान पर आए, उनमें से एक ने रिवॉल्वर निकाल ली और दूसरे ने तेज धारदार चाकू निकाला है जो 13 तोला सोना है। और आपको बताते चले कि करीब 7.5 लाख की कीमत और 5,000 नकदी लूटकर फरार हो गए। पीड़ित मालिक ने आपको बताते चले कि न्याय की गुहार भी लगाई है। जी सर, महानगर बब्बर जूलर है जी, वो तो अपना पहले बंदे हैं मोटरसाइकिल तो वो मुद्रिया नेड़ी मुद्रिया वेचन के बहाने उन्होंने को गन पॉइंट करके दफ्तर के नाल 130 ग्राम सोना लै गए जी। वो पर्चा दर्ज करके दोषियों की भाल कर सरदार से एक ने खाकी पग बने चैक जैकट पाई थी, हाफ एक ने दबाना बनया, चिट्टा चोला पाया। तो सर कोई सीसीटीवी फुटेज भी है? खंगाल सीसीटीवी फुटेज भी आ गई है, खंगाल दे बाकी कैमरे भी चेक कर रहे हैं। अज एक कस्टमर आया मेरे को मुंदरी लैन वास्ते, देखने वास्ते। मैं पहला जेंट्स मुंदरी दिखाई तो कहना मेरे नाल लेडीज आ रही पिछे तो उन्होंने लेडीज समान भी लैना, तो मैं उन्होंने जेंट्स दिखाई पहला डब्बी चो कट के मुंदरी वे तकरीबन 7 तोला के करीब है गया समान मेरा। तो फिर दूसरी कहना चलो नहीं तो मैं लेडीज फाद आ जाती है, मगर मैं जो दूजी डब्बी कट के विखाई वे 6 तोले समान ही जी लेडीज मुंदरिया जीडिया, तो उन्हें वेखिया एक दो मुंदरिया वेखिया, तो फिर मैंने कहना भी गूगल पे कर लोगे? मैं कोई नहीं कर लांगे। उन्हें अपनी जेब तो पैसे भी किन्ने थोड़े 8-9 हज़ार रुपया, कहना बाकी मैं गूगल पे कर लोगे मैं कर लांगा। उस तो बाद फिर थोड़ी देर बाद एक जना होर आया नहंग दे बाने च, उन्हें दफ्तर साइड पर लगाया ही। जहां रेल बनाने को लेकर पंजाब सरकार की ओर से सख्त कदम उठाए गए थे, तो वहीं पिछले दिनों पंजाब सरकार की ओर से एक आदेश भी जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि कोई भी वर्दीधारी पुलिस अपनी रेल नहीं बना सकता है, लेकिन हर दिन की शिकायतें सामने आ रही हैं। लड़कियां और लड़के पुलिसकर्मी वर्दी पहनकर रेल बनाकर स्वागत कर रहे हैं, जिसने से ये साबित कर दिया है कि पंजाब सरकार का डर न तो कर्मचारियों के दिलों से खत्म हुआ है और न ही आला अधिकारियों के दिलों से, क्योंकि पंजाब सरकार के आदेश बहुत महत्वपूर्ण हैं। पंजाब सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, दूसरी ओर किसी ने उनके खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। आपको बताते चले कि लगातार रील बनाने के जो वीडियोज हैं वो वायरल हो रहे, पुलिसकर्मी वर्दी पहनकर रील बनाते हुए नजर आ रहे। पंजाब सरकार के आदेशों की अवहेलना भी की जा रही, पुलिस वर्दी पहनकर लगातार रील बनाई जा रही है और अभी तक कोई भी सख्त एक्शन नहीं लिया गया है। पंजाब सरकार के आदेशों की अवहेलना करते हुए पुलिसकर्मी नजर आ रहे, आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जो कि चंडीगढ़ से हैं, जहां पर पंजाब सरकार के आदेशों की अवहेलना करते हुए पुलिसकर्मी नजर आ रहे। और साथ ही आपको बताते चले कि लगातार रील्स भी वायरल हो रही जिसको लेकर पंजाब सरकार के आदेशों की अवहेलना हो रही है। पंजाब के तरनतारण के एक गांव में 55 साल की महिला के साथ में मारपीट की गई और अर्धनग्न करके घुमाया गया, जिसको लेकर मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान सामने आया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंजाब के तरनतारण में 55 साल की महिला को नंगा करके पीटा गया और आम आदमी पार्टी या कांग्रेस का कोई भी नेता कुछ नहीं बोल रहा है। क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि ये पंजाब है, मणिपुर नहीं। इस वीडियो में आपके राज्य पंजाब में चल रहे जंगल राज को भी दिखाया गया। भगवान मान जी, पंजाब की जनता आपको माफ नहीं करेगी।
ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇੱਕ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਅੱਧ ਨਗਨ ਕਰਕੇ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਕੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਬੜੇ ਦੁਖਦਾਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਖਨਨ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਸੈਂਡ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਔਰ ਹਾਲਾਤ ਇੱਡੇ ਮਾੜੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ 31 ਤਰੀਕ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਮਰਥ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਔਰ ਸਾਥ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਕੇ ਸੀਐਮ ਕੇ ਪਕਸ਼ ਪਰ भूख हड़ताल की है उनकी रिहाई के लिए श्री अश्लेश्वर धाम में हवन किया जबकि आपके जिलाध्यक्ष ट्रांसपोर्ट विंग गुरदासपुर राकेश तुली ने आहुति दी है और हवन में बड़ी संख्या में आप कार्यकर्ता भी शामिल हुए राकेश तुली ने यह भी कहा कि जब तक पार्टी के सुप्रियो जेल से बाहर नहीं आ जाते हैं तब तक वे नंगे पैर ही रहेंगे और पूरे दिन उपवास रखकर उन्होंने प्रार्थना की कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर उन्होंने ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल एक विचार है उनकी सोच को खत्म नहीं किया जा सकता है मनोकामना हुई है कि साढ़े सुप्रीमो श्री अरविंद केजरीवाल साहब की चंगी सेहत उन्होंने रिहाई वास्ते आप महाजग किया गया सब तो पहले तो अच्छे जिन्हें भी मेरे साथी मेरे वॉलंटियर भरा आए हैं अज अं सवेर के 4 बजे दे श्री अचलेश्वर धाम आए हैं तो सवेर का ही अपना वर्त रखे वा तो शाम तक वर्त रहेगा एक दिन का वर्त सी तो एक दिन का ही वर्त रहेगा महाजग किया गया इन्हें किया गया अपना श्री अरविंद केजरीवाल साहब किया गया उन्होंने चंगी सेहत उन्होंने रिहाई वास्ते ही किया गया दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मामला तूल पकड़ने लगा है आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी लगातार इसको लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ हमलावर है इसी कड़ी में अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर फाजिलका में भी आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन किया गया साथ ही आपको बताते चले कि केजरीवाल की रिहाई की मांग को लेकर पार्टी के कार्यकर्ता डीसी कार्यालय के बाहर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਸਟਿੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਦੇ ਵਜਵਾਬ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਧਰਨਾ ਰੱਖਿਆ 10:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੀਟਰ ਰਸਾਈ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ जो आम आदमी पार्टी के ऐन चोणों के मौके जेड़े अरविंद केजरीवाल जी ने गिरफ्तार किया गया इस तो पहला इसे शराब घोटाले का नाँ लैके सतिंदर जैन जी ने किया गया रनीत सोधिया जी ने किया गया संजय सिंह जी ने किया गया संजय सिंह ने पिछले दिनों के जमानत मिलती है पर सानू इस गल का बड़ा ज़्यादा अफसोस है दिन प्रतिदिन पंजाब में ठगी और फाइनेंसर के शिकार हुए व्यक्तियों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही पटियाला की तो बात की जाए तो वहां पर व्यक्ति के साथ में ठगी और फाइनेंसर के चक्कर में आपको बता दें कि 25 लाख का चूना लगाने का मामला सामने आया पटियाला के टिपरी थाना के इंचार्ज गुरप्रीत सिंह भिंडर ने बताया कि श्यामलाल नाम का व्यक्ति जिसने किसी फाइनेंसर भूपेश कुमार और उसके कुछ साथी की तरफ से उनका लोन किया हुआ था जिनको लोन के पैसे नहीं दिए गए थे जिसको लेकर उन्होंने आत्महत्या कर ली श्यामलाल के बेटे के बयानों के मामला दर्ज किया गया है पुलिस के अनुसार दोषियों के खिलाफ रेड भी की जा रही है और जल्द ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा कृष्ण नाम दे व्यक्ति आए थे जिन्हें दस्या उन्होंने फादर श्यामलाल जी जिहड़े कि रात जदों सीरियस हो गए उन्होंने कोई जहरीली चीज ले ली उन्होंने हस्पताल ले गए पर रस्ते जाते डेथ हो गई जो अगे फर्दर उन्होंने श्याम लाल जी की प्रॉपर्ट देखी जेब देखी उन्होंने एक सुसाइड नोट मिलया जिसे उन्होंने कोई लोन कराने बारे 22 लाख रुपए लोन जिहड़ा कराया गया सीगा पर उन्होंने पैसे नहीं मिले तो वह जिन्हों बंद ने लोन के पैसे हड़प किए जोड़े बंदे आ उन्हों का नाम उन्होंने लिखा हुआ जिन्हों को परेशान होकर उन्होंने आपकी जी जीवन लीला खत्म की संबंधी असी FIR रजिस्टर करती है तो उन्हों की असी भाल कर रहे हैं रुपेश कुमार है 3 साथी होर ने
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਰੋਡ ਕੀਤਾ ਗਾ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੋਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਿਆ ਸੀ ਬੇਟੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੀ ਲੈ ਲਏ ਓਕੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਲੈ ਲਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੈੱਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 22 ਲੱਖ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹ 22 ਲੱਖ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੋਨ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ 85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਊਗੀ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਐਡਜਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਫਲਾਸ਼ ਮੁੰਡੇ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰ